नाउ हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट और व्हिच वन इज ग्रेटेस्ट। मैंने एग्जांपल लिया एक नंबर का, देख सकते हैं आप लोग 23,26,781 होल कंडीशन। आप इसको होल नंबर में ऐसा होता है जब जिस नंबर में डिजिट का नंबर ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर इसमें ऐसा होगा कि जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। देखते हैं इसमें कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 डिजिट्स, ये होल नंबर है। अब देखो तो होल नंबर में इसमें 5 है इसमें 6 है, सो बड़ा कौन होगा, 6 डिजिट्स वाला। तो हमने यहां पे शो किया ए इस नंबर से बड़ा। दूसरा एग्जांपल है मेरा, नंबर लिखते हैं आप लोग 3,26,085 4,50,235, ठीक है। अब हमने देखा यहां भी होल नंबर है ना, यहां भी होल नंबर है। अब देखते हैं कि डिजिट का प्लेसेस क्या है, डिजिट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखो तो ये भी होल नंबर, यहां भी 6 डिजिट है, यहां भी 6 डिजिट है, तो क्या करेंगे, कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट मींस नंबर के सबसे लेफ्ट साइड में जिस नंबर का सबसे बड़ा डिजिट होगा वो नंबर ही सबसे उस दो नंबर के लिए बड़ा होगा, ठीक है। देखते हैं हमारे पास दो नंबर है, इस नंबर के सबसे लेफ्ट में क्या है, 3, सबसे लेफ्ट में 3, इस नंबर के सबसे लेफ्ट में क्या है 4। अब हमें बताओ 3 बड़ा है या 4, सो सिंपली हम बताइए 4 वाला बड़ा है, सो ये पूरा का पूरा नंबर इस नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 8,64,425। अभी आ गया ये भी होल नंबर, नंबर इसका जो नंबर्स है डिजिट्स का नंबर है वो भी सेम है, यहां पे देखते हैं 6, यहां पे 6 डिजिट्स, यहां पे 6 डिजिट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड देखते हैं, मैंने जैसा बताया था कि लेफ्ट साइड देखने सबसे लेफ्ट देखता है नंबर्स की, जिस नंबर के सबसे लेफ्ट में बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो यहां सब इस नंबर के सबसे लेफ्ट में 8 है और इसमें भी 8 है। अब क्या करें, तो यहां रुकना नहीं है, यहां क्या करना है कि उसके बाद हम जस्ट पुश करते जाएंगे राइट और लेफ्ट से, राइट पर जाते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। तब तक कंपेयर करेंगे जब तक हमें कुछ छोटा बड़ा ना मिले, चलिए हमें 8 देखा यहां पे 8 है सेम, फिर हम क्या करें राइट पर पुश करें, 6 है यहां पे, यहां भी 6, ये भी सेम, अब क्या करें और पुश करेंगे 4 है यहां पे, यहां भी 4, फिर भी सेम और पुश करें, यहां आया 3, यहां आया 4। अब अगर तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, सिंपली 4 बड़ा है, 4 का वैल्यू ज्यादा होता है, तो हमने इसको 4 की तरफ कर दिया, यानी ये नंबर 8,64,425 ये ज्यादा है इससे, 8 बड़ा है इससे, 8,64,425, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, नंबर्स को अरेंज करना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। मैंने आपको दिखाया सिंपल दिया है, आप देख सकते हो आपको नीचे से ऊपर की ओर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, दैट्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमने यहां एग्जांपल लिया अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, हमारे पास कुछ नंबर्स था इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, सो कैसे करेंगे, जस्ट मैंने बोला है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस सब में सबसे पहले हम कंपेयर करना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है, तो हमने देखा सबसे छोटा है 14,250, तो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट में पहले लिखा, इस तरह का बार 19,705 इसको हमने जस्ट के बाद लिखा। आप क्या ऐसे भी सकते हो, ये से बड़ा है, ये से बड़ा है और ये इससे बड़ा है, ठीक है। मैंने लिखा 14,258, ये छोटा है किससे, 19,705 से, इससे बड़ा व्यक्ति कौन है, 30,000 बड़ा है या 26,000, तो 30,026, तो पहले क्या होगा 26, हमने क्या बोला स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, हमने क्या लिया स्मॉलेस्ट लिया 26,081, उसके बाद आगे क्या देखा 30,265, इस तरह के आगे हम लोग क्या बोलते हैं।
ऑर्डर, इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे, आप इसे नोट करो पहले, उसके बाद।